क्वेश्चन 1.6 में हमें 4 पॉइंट चार्ज दिए बच्चों, ए है, बी है, सी है, फिर यहाँ पे डी दिया हुआ, ठीक है। वैल्यूज हैं 2 माइक्रोकूलम, नेगेटिव में 5 माइक्रोकूलम, अगेन 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम्स। लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, उसकी साइड कितनी है बच्चों, 10 है ना। तो इस तरह से समझ लेते हैं इसको, क्यू ऑफ ए का टर्म है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा क्यू ऑफ बी का -5 माइक्रोकूलम्स, इसका टर्म फिर से आ रहा है बच्चों 2 माइक्रोकूलम और ये गिवन है -5। फिर कहता है कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी एक माइक्रोकूलम के चार्ज पे, इसको सेंटर पे रख दें, मतलब ये टर्म हो जाएगी 1 माइक्रोकूलम, इस पे क्या हो रहा है इन चारों की वजह से। लगेगा यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बट सिमेट्रिसिटी है तो अपन इसको बहुत ही ईजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर अपन बात करें स्मॉल आर की, जो कि डिस्टेंस होगा इस पार्टिकल का चार्ज का इन चारों से, तो ये हो जाएगा बेसिकली ओ ऑफ ए, और यही बराबर होगा अपने स्क्वायर के हिसाब से ओ ऑफ बी, ये उसी के बराबर होगा, ओ डी के बराबर होगा। आपको पता है ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2, और हमें उसका हाफ करना पड़ेगा, मतलब आंसर होगा 5√2। दैट मीन्स कभी भी पढ़ रहे होंगे अपन फोर्सेस को, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट मिल रही है। इसको और ध्यान से देखो आप, ये तो पॉजिटिव का चार्ज है, अगर ए इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक एफ ऑफ ए लगाएगा। सिमिलरली सी लगाएगा फोर्स तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू सी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा। और आप कह सकते हो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ सी के आ रहा है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह सेकेंड डायगनल पे अगर बात करेंगे तो देखो ये नेगेटिव है बच्चों, इसे अट्रैक्ट करेगा ये इस डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है एफ ऑफ डी हो रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो एफ ऑफ बी बन जाएगा। तो सेकेंडली अपने को मिल रहा है एफ ऑफ डी बराबर एफ ऑफ बी। आप देख ही सकते हो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो तो होगा ही नहीं, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। थ्योरी के फॉर्म में ऐसे पढ़ सकते हैं, फोर्स है रिपल्शन का, देखो फर्स्ट डायगोनल में ए से भी रिपेल हो रहा है और सी से भी रिपेल हो रहा है, ठीक। तो वही ए और ओ के बीच में भी कितना है, रिपल्शन है, और सी और ओ के बीच में भी कितना है बच्चों, रिपल्शन ही है, और दोनों के दोनों अपने आप में क्या करेंगे, कैंसिल ईच अदर। सिमिलरली अगर अपन इसकी बात करें तो डी और ओ में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। देखो बी और ओ की बात कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, और अपने का पास चार्ज प्लेस्ड एट डी एंड सेंटर ओ, तो इनके पास भी क्या लग रहा है बच्चों, अट्रैक्शन ही लग रहा है। तो अल्टीमेटली इस एक्सिस पे जो फोर्स है वो अपने आप को कैंसिल कर रहे हैं, और इस एक्सिस वाले भी अपने आप को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट जो फोर्स पड़ रहा है वो आ रहा है अपने को 0, और यहाँ पे भी हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है।